पॉडकास्ट शो मैन के शो में आप सभी का स्वागत है। तो क्या आप मेरे साथ सुपर हीरो मूवीज के सफर में जाने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको जो भी मूवी दूंगा उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस मूवी को कैसे डाउनलोड करना है। तो आज की मूवी की लिस्ट में हमारे नंबर 5 पे है क्रॉनिकल। ये मूवी 2012 में आई है। मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सुपर पावर मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 90% लोग तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, बट 10% लोग इसे मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम मूवी पे आते हैं। तो इस फिल्म में 3 बच्चों की कहानियों को दिखाया जाता है, जिसे जमीन के अंदर के होल से सुपर नेचुरल पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वो चीजों को दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ वो लोग खुद भी उड़ सकते हैं। पर ये दूसरे सुपर हीरो की तरह लोगों की मदद कम, बेवकूफियां ज्यादा करते हैं। पर जब इनकी बेवकूफियां बढ़ जाती है और इनका पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। आज की मूवी की लिस्ट में हमारे नंबर 4 पे है अनब्रेकेबल। ये मूवी 2000 में आई है। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसकी हड्डियां टूटी होती है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। जब भी बच्चे को थोड़ी बहुत भी चोट लग जाती है, इस बच्चे की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया कि इसको ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इसकी हड्डियां ऐसे ही टूटती रहेंगी, जिसकी वजह से ये बच्चा अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है। वही फिल्म में दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है, जो एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उस पूरे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। उस पूरे ट्रेन में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, जिसमें से एक का हालत बहुत ही क्रिटिकल रहता है, पर डेविड को एक खरोंच तक नहीं आती। तो क्या ये दोनों सुपर हीरो आपस में मिलते हैं? और अगर मिल जाएंगे तब तो धमाका होना ही है। तो आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी और ये मूवी आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी। मैं आपको ऐसी सुपर हीरो मूवीज का लिस्ट दे रहा हूँ जिसको शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो क्या आप ऐसी मूवी देखने में इंटरेस्टेड है जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बांधे रखे और अचानक से अंत में आपको ऐसा सरप्राइज देते जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे? जी हाँ, हमारी मूवी के लिस्ट में नंबर 3 पे है कैरी। यह मूवी 2013 में आई है। मूवी की कहानी घूमती है कैरी नाम की एक लड़की के ऊपर, जिसका स्कूल में बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सब लोग उसे टॉर्चर करते हैं। पर कहते हैं ना, जिसका कोई साथ नहीं देता उनके साथ उनके माँ बाप खड़े होते हैं। पर कैरी के संग भी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसकी माँ इसके संग सौतेली माँ से कम बिहेव नहीं करती। पर कहानी आगे बढ़ती है और ये कुछ सुपर पावर्स को डिस्कवर करती है। तो इसे सुपर पावर कैसे मिलती है ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। ये अपने सुपर पावर की मदद से ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकती है। तो इस पावर से लोगों से किस तरह से बदला लेती है, या आगे क्या होता है, या इसके संग कितना बुरा हो सकता है, ये सभी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। हमारी मूवी के लिस्ट में नंबर 2 पे है पुश। ये मूवी 2009 में आई है। जिस फिल्म में मार्वल के सुपर हीरो हो, उस फिल्म को शायद ही किसी रिव्यू की जरूरत। अगर आप कैप्टन अमेरिका के सच्चे फैन है तो इस मूवी को आप जरूर देखिए। तो मूवी में कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस एवंस को एक लड़के और एक सूटकेस को ढूंढना पड़ता है। पर मूवी में ट्विस्ट ये होती है कि उसे सुपर विलन से पहले ढूंढना होता है। पर उससे भी बड़े ट्विस्ट ये है कि हीरो और विलन दोनों के पास सुपर पावर है। जैसे कि कोई भविष्य देख सकता है, कोई इतना चिल्ला सकता है कि आपके कान के पर्दे को फाड़ दे, और भी अमेजिंग सुपर पावर्स होती है। और इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात यह है कि सुपर हीरो को ऐसा प्लान बना के लड़की और उस संदूकचे को ढूंढना रहता है जिसमें कोई प्लान ही ना हो, क्योंकि अगर वो प्लान बनाएंगे तो वो प्लान सुपर विलन को पता चल जाएगा। तो ऐसी चीजें मूवी को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। तो कौन सबसे पहले उस लड़की और उस बॉक्स को ढूंढने का, ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। तो इस मूवी को आप लोग जरूर ट्राई करिए। आज की मूवी के लिस्ट में नंबर 1 पे है ड्रेड। यह मूवी 2012 में आई है। एक मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे विशाल का अपार्टमेंट में फंस जाए जहाँ पे आपको सारे लोग मारना चाहते, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा ही प्लॉट है इस मूवी का। मूवी के लीड में है कार्ल अर्बन, जिन्होंने द बॉयज जैसी वेब सीरीज में काम किया है। तो अब बात करते हैं मूवी के बारे में। न्यूक्लियर वॉर के चलते यूनाइटेड स्टेट्स अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। तो इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि दीवारों से घिरा हुआ एक शहर जिसे मेगा सिटी 1 के नाम से जानते हैं, पर इस सिटी में इतना ज्यादा क्राइम होता है कि क्रिमिनल्स के लिए जेल कम पड़ जाए। जी हाँ, 800 मिलियंस लोग एक शहर में और वहाँ पर डेली क्राइम 70,000 से भी ज्यादा होती है। जी हाँ, तो क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे? तो मूवी के मेन टॉपिक के ऊपर बात करूँ तो जज अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, पर वो जाते तो अपनी मर्जी से, पर आएंगे वो विलन्स की मर्जी से। उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। अब वो लोग वहाँ से बच के नहीं जा सकते। तो वो कैसे निकल पाते हैं, उनके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें सुपर हीरो कहाँ है, बट मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी में कोई सुपर हीरो नहीं है, पर यह मूवी इतनी ज्यादा शानदार है कि मुझे अपने लिस्ट में शामिल करना पड़ा। तो अब बात करते हैं कि आपको मूवी कैसे डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप में जाना होगा और वहाँ पे सर्च करना होगा द शो मैन, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस चैनल में मैंने सारी मूवीज का लिंक दे दिया, तो आप लोग आसानी से उस मूवीज को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो 1% भी पसंद आते तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में डील करते हैं।